हेलो फ्रेंड्स, आज हम K9 वायरलेस माइक्रोफोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो माइक्रोफोन्स हैं जो हम अपनी वीडियो बनाते हुए खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने दोस्तों पहले भी बहुत माइक्रोफोन्स यूज़ किए हैं, लेकिन K9 वायरलेस माइक्रोफोन्स की वॉइस क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी लगी है। दोस्तों, ये रेडी टू प्लग इन डिवाइस है। आपको इसको प्लग इन करना है और इट्स रेडी टू यूज़। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है और इसे कैसे यूज़ करना है। बॉक्स में हमें सबसे पहले मिला है दोस्तों ए टाइप टू सी टाइप चार्जिंग केबल। देन इसके बाद हमें मिले हैं दो रिसीवर्स। दो रिसीवर्स इसलिए दोस्तों, जैसे अगर आप दो लोग हैं और दोनों अपनी वॉइस सेम टाइम पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये है इसका ट्रांसमीटर जो फोन पर लगता है। ट्रांसमीटर को आप बहुत इजीली अपने फोन पर प्लग इन कर सकते हैं। See, it was too easy. That's it. अब जैसे हमारे इस चैनल पर मैं और मेरे वाइफ दोनों वीडियोस बनाते हैं, तो कुछ वीडियोस में हम दोनों को माइक यूज करना होता है, तो आपको इस डिवाइस में ये ऑप्शन बहुत बेहतरीन मिलता है कि एक ट्रांसमीटर फोन पे लगता है और दो माइक्स आप इकट्ठे सेम टाइम पर यूज कर सकते हैं और एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वॉइस क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहां रिसीवर का ऑन ऑफ बटन है दोस्तों। आपको रिसीवर को ऑन या ऑफ करने के लिए इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। एंड स्टेबल ग्रीन लाइट मींस इट इज कनेक्टेड। इस प्राइस रेंज में ये बेस्ट अवेलेबल माइक्रोफोन है दोस्तों मार्केट में अभी इस वक्त। रेगुलर यूजेज पर रिसीवर को आपको हर दो दिन बाद चार्ज करना पड़ता है। अगर आप दो दिन इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, आपको इसे चार्ज करना पड़ेगा। ट्रांसमीटर को चार्ज नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो दोनों रिसीवर्स साथ में मिले हैं उन्हें आपको चार्ज करना पड़ेगा। ये दोनों रिसीवर्स कुछ आधे घंटे में अगले दो दिनों के लिए चार्ज हो जाते हैं। दोस्तों, 2023 के जो न्यू अराइवल फोन्स हैं उनमें इसको इंस्टॉल करना या प्लग इन करना बहुत आसान है। आप इसको जस्ट प्लग इन करेंगे, रिसीवर को ऑन करेंगे एंड दैट्स इट। आपका डिवाइस रेडी टू यूज है। यू कैन सी स्टेबल ग्रीन लाइट मींस इट इज वेल कनेक्टेड। दोस्तों, सेकंड केस में मैं उन फोन्स की बात कर लेता हूं जिसमें आप ट्रांसमीटर को जब प्लग इन कर लेते हैं तो ट्रांसमीटर अच्छे से प्लग इन हो जाता है, रिसीवर की लाइट भी ग्रीन हो जाती है, स्टेबल ग्रीन हो जाती है। लेकिन आप नोटिस करेंगे जब आप वीडियो शूट कर रहे हैं और आप जब बोल रहे हैं कुछ, तो जो आपकी आवाज़ है वो इस माइक से ना जाकर जो फोन का एक्चुअल फोन का माइक है वहां से जा रही है। इसमें इन केसेस में आपको कुछ सेटिंग्स में चेंज करना पड़ेगा। वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके फोन में आपने ट्रांसमीटर लगाया है, आपकी माइक की लाइट भी ग्रीन हो गई है, तो इन केसेस में आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी जिससे आपका आपकी जो आवाज है वो इस माइक से ही जाएगी। वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर आपको ढूंढना है साउंड्स एंड वाइब्रेशन। हो सकता है ये आपके फोन में सेटिंग किसी और टैब में हो, लेकिन मैं जो मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको वो बता देता हूँ। मैं साउंड्स एंड वाइब्रेशन में जा रहा हूँ। उसके बाद मैं ढूंढ रहा हूँ मोर।
मोर पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है डिफॉल्ट डिवाइस ऑप्शन पर। यहां पर दोस्तों अगर आपका ऑप्शन ऑटो सिलेक्ट पर सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको उसे चेंज करके यूज पेरिफेरल डिवाइस पे क्लिक करना है। यूज पेरिफेरल डिवाइस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तब आपकी जो आवाज वीडियो में जो आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है वो इस माइक से होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके फोन में जो ऑप्शन आपने चूज कर रखा था वो ऑटो सिलेक्ट पे था तो फोन उसे अपने ही माइक से आपकी आवाज को रिकॉर्ड कर रहा था। अब मैंने यूज पेरिफेरल डिवाइस पे क्लिक किया है तो अब मेरी इस माइक से आवाज जा रही है। तो दोस्तों ये सेटिंग यूज करके आप इस डिवाइस को आसानी से अपने फोन में यूज कर सकते हैं, आपके फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों तीसरे केस में हम बात कर लेते हैं उन फोन्स की जो थोड़े पुराने हैं, जैसे कि जो अभी कमिंग एक दो साल में नहीं है, उनसे पहले के आपने खरीदे हुए हैं। तो उन फोन्स में आपको एक दिक्कत आ सकती है जिसका भी सोल्यूशन है। वो दिक्कत मैं आपको वो भी बताता हूँ कि वो आप इस डिवाइस को, अगर आपके पास पुराना फोन है तो आप इस डिवाइस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे केसेस में क्या होगा कि जैसे ही आप ट्रांसमीटर को अपने फोन में प्लग इन करेंगे और आप रिसीवर की लाइट ऑन करने की कोशिश करेंगे तो वो आप देखेंगे कि जो लाइट है रिसीवर की वो रेड ग्रीन ब्लिंक कर रही है, वो कनेक्ट नहीं हुई। तो ऐसे केस में आपको दोस्तों क्या क्या सेटिंग्स करनी है जिससे कि आप इस डिवाइस को अपने फोन पर, चाहे वो जैसा भी फोन है, आप आराम से यूज कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूं। फ्रेंड्स आपको अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है और आपको ढूंढना है कि OTG कनेक्शन कहाँ है। आप स्पेशल फीचर्स में देख सकते हैं या एडिशनल सेटिंग्स में देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा OTG कनेक्शन। आपको OTG कनेक्शन को ऑन करना है, देन आपको अपने ट्रांसमीटर को प्लग इन करना है और आप देखेंगे कि आपका जो रिसीवर की लाइट रेड ग्रीन ब्लिंक कर रही थी वो स्टेबल ग्रीन हो गई है। अब आपका ट्रांसमीटर प्लग इन हो गया है, आपके रिसीवर की लाइट भी स्टेबल ग्रीन हो गई है, लेकिन उन फोन्स में जनरली ये दिक्कत आती है कि उनमें माइक, एक्सटर्नल माइक यूज करने का ऑप्शन अभी भी नहीं होता। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है मैं वो भी बता देता हूं। आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके आपको ढूंढना है ओपन कैमरा ऐप। आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में ओपन कैमरा ऐप जो है वो पहले से ही इंस्टॉल्ड है। आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, ऐप को ओपन करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर आपको वीडियो सेटिंग्स ढूंढनी है। वीडियो सेटिंग्स में जाकर आपको मिलेगा ऑडियो सोर्स। ऑडियो सोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में पहले से ही एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट का ऑप्शन सिलेक्टेड है। आपको एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है और आपको अपनी हर वीडियो ओपन कैमरा ऐप से ही शूट करनी है। जैसे ही आप अपनी वीडियो को ओपन कैमरा ऐप से शूट करेंगे, आपकी वॉइस जो है वो इस माइक से रिकॉर्ड हो रही होगी और आप अपनी वीडियो को अच्छे से शूट कर सकते हैं। थर्ड केस को मैं दोबारा बता देता हूं दोस्तों। आपको OTG कनेक्शन ऑन करना है, ट्रांसमीटर को दोबारा लगाना है, आपकी रिसीवर की लाइट ग्रीन स्टेबल हो जाएगी, देन आपको ओपन कैमरा ऐप को इंस्टॉल करना है। ओपन कैमरा में जाकर आपको वीडियो सेटिंग्स के अंदर ऑडियो सोर्स ऑप्शन को ढूंढना है। ऑडियो सोर्स को क्लिक करने के बाद आपने एक्सटर्नल माइक इफ प्रेजेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दैट्स इट, आप ओपन कैमरा ऐप से अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों केस बता दिए जिसमें आप जाकर इस डिवाइस को इजीली यूज कर सकते हैं।
ये डिवाइस Amazon पर इजीली अवेलेबल है, लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जिसे यूज़ करके आप अपनी वॉइस क्वालिटी को या अपनी वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे, थैंक यू, टेक केयर।